अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो दोस्तों, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे पर्सनालिटी को जो है कि देखते रहिए। अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और ये भी आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे कैसा अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक कीजिएगा। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो पुश मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये आपका है प्रश्न नंबर 7 है और प्रश्नावली 7.3 चल रही है, और आपका हल करना है आपको त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों द्वारा। इसमें जो भी आपका सूत्र उपयोग में लाया जाएगा सिर्फ सरसमीकरणों का होगा, और वो भी सरसमीकरण आपकी होगी त्रिकोणमिति की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न क्या है? sin 4x × cos 8x, ठीक है। इसको हल करना है, इसमें सबसे पहले समाकलन करना है। तो इसके साथ देखिए, समाकलन भी नहीं लगाया गया है और dx भी नहीं लगाया गया है। इसमें सबसे पहले हम लगा लेंगे समाकलन डॉट क्या dx, इतना ठीक है। अब देखिए, आपका सरसमीकरण होती है 2 sin x × sin y बराबर होता है cos x − y − cos x + y होता है। इससे यदि आपका 2 यानी कि इतना आपका मान हो, जैसे आपका ये साइन जो है इसको x मान लें, इसको क्या मान लें y, दोनों साइन में हो लेकिन इसका कोण अलग अलग हो, दोनों साइन में हो लेकिन कोण इसका क्या हो अलग अलग हो, तो आप लगा सकते हैं 2 sin x × sin y का, ठीक है। यदि आप उतना आपका यहाँ पर देखिए दो गुणांक, यहाँ पर दो गुणांक है नहीं, दो गुणांक बनाने के लिए आप दो से गुणा करेंगे, दो से भाग करेंगे, तो उससे अच्छा ये है कि एक ही बार आप इसी को लगा दीजिए sin x × sin y का लगा देंगे, तो एक ही बार में आपका ये हो जाएगा cos x − y और − cos x + y, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? चलिए बाई टू हो गया आएगा। उसी के अनुसार इसको हम लोग सिर्फ तोड़ देंगे, और तोड़ करके हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो छोटा में आपका हो जाएगा समाकलन, देखिए तोड़िए उस पर, आपका है cos x − y, यानी कि x का वैल्यू 4x है और माइनस y का वैल्यू क्या है 8x, समझ में आ रहा है। माइनस सूत्र देखिए आगे है आपका cos x + y, यानी x का वैल्यू 4x है और प्लस y का वैल्यू क्या है 8x, अब बटा में आपका कितना है 2, डॉट कितना है dx, समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए 1/2, देखिए 1 पूरे का बटा 1/2 है, देखिए 1/2 है इसलिए यहाँ पर 1 मान लेंगे, या नहीं है तो हर पूरा 2 है तो 2 इसमें से कॉमन लेंगे, तो आपका हो जाएगा 1/2। समाकलन आपका हो जाएगा cos आपका हो जाएगा, ये देखिए माइनस है तो 8 में से 4 घटा दीजिए कितना हो जाएगा −4x हो जाएगा, और माइनस cos 8 और 4 आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 12x हो जाएगा, कोष्ठक बंद कर दीजिए, ठीक है। और डॉट क्या हो जाएगा dx। चलिए इतना तो आप लोग कर लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 12 दोनों के साथ समाकलन लीजिए, 1/2 समाकलन cos − θ है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात से टर्निंग में आप चलते हैं चतुर्थांश में, तो sin − θ बराबर आपका होता है +cos θ, इसलिए +cos θ होता है क्योंकि ये जो cos θ है आपका माइनस में चलता है तो आपका क्लॉकवाइज चलता है, और क्लॉकवाइज चलता है तो आपका प्रथम चतुर्थ ऐसे जो है कि चतुर्थ में पड़ता है, ऐसे भी आप चलते हैं इस चतुर्थ में पड़ेगा, और चतुर्थ में आपका cos प्लस होता है और क्या होता है sec θ, लेकिन यहाँ पर cos माइनस में है तो आपका cos − θ हो तो चौथे में आ रहा है, ठीक है, चौथे में आएगा तो आपका हो जाएगा +cos θ। टर्निंग आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, ये आपका हो जाएगा cos 4x · dx, इसके साथ 1/2 समाकलन इसके साथ आ गया, फिर इसके भी साथ लीजिए 1/2 समाकलन, ये हो जाएगा cos 12x · dx। अब इसके बाद हम समाकलन कर देंगे, तो चलिए समाकलन कर देते हैं 1/2 × cos x का समाकलन आपको बताया गया है कि cos x का समाकलन आपका होता है sin x, यानी कि sin, और x का वैल्यू आपका टोटल ये है ना कोण, ये टोटल कोण x है तो आपका हो जाएगा 4x, बटा में आपका x का गुणांक होता है तो x गुणांक कितना है 4, ये हर एक प्रश्नावली में बताया गया है। यहाँ से 1/2 हो जाएगा गुणे cos x का, यहाँ पे समाकलन क्या हो जाएगा sin
एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू 2x है, बटा में x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, 2x नहीं है, 12x है, बटा में x का गुणांक कितना है 12 प्लस सी। यहाँ से हल कर दीजिए, 4 × 8 यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा 8 साइन 4x माइनस 1/2 12 × 24 यह आपका हो जाएगा साइन 12x। ठीक है, आप प्लस क्या सी देखिए, ये जो है यहां से यहां तक देख लीजिए, यहां से यहां तक दो पद हैं, एक पद ये है एक पद ये है, लेकिन इसका 1/8 है, इसका 1/2 क्या है 24। क्या आपका कोई ऐसा अंक है जिससे 8 भी कट जाए और 24 भी कट जाए, बड़ा से बड़ा? ठीक है, यानी कि 8 लेंगे तो 8 × 8 = 24, 8 से भी तो कट जाएगा, तो यह 8 से कट जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। अब कट गया तो बच गया क्या, यह हो जाएगा साइन 4x और माइनस आपका ये हो जाएगा 1/8 × 24, यानी कि आप कितना हो जाएगा 3 साइन 12x आप प्लस क्या सी, ये आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।